विकास की गति तेज करने के लिए सरकार व जिला प्रशासन प्रयासरत नजर आ रहा है। इसी कड़ी में निकाय मंत्री शिव डहरिया ने डोंगरगढ़ गांव में शिरकत की। इस अवसर पर नगर पंचायत डोंगरगढ़ गांव के अध्यक्ष हीरा दास ने कहा कि डोंगर गांव का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अध्यक्ष दास ने मंत्री शिव डहरिया के द्वारा लॉकडाउन के चलते जो 14वीं और 15वीं वित्त की राशि से निकाय में विकास कराया है उनका बखान किया। साथ ही डहरिया से गांव के तालाब का सौंदर्यकरण कराने की मांग रखे जाने की बात कही। इसी तरह अन्य कार्यों के मांग पत्र भेजे जा चुके हैं जिसकी स्वीकृति लगभग होने की बात नगर अध्यक्ष द्वारा कही गई। सर, जैसे अभी अध्यक्ष महोदय डहरिया जी आ रहे हैं, उनसे आपकी छोटी सी मुलाकात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्री निकाय के मंत्री हैं और इसी रूट से अपने परिवारी यहाँ जा रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि उनको स्वागत करें निकाय की ओर से। वही चाह रहे हम लोग कि हमारे निकाय को उनको स्वागत करें। और कुछ आप मांग रखना चाहते हैं उनके सामने अपनी? मांग हमारे यहाँ जो तालाब है जिसमें नगर के तालाब में गंदा पानी जैसे शहर पर डिस्पोजल होता है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ बड़ा तालाब है, समथिंग वो 15 एकड़ का है, उसमें आज भी शहर में गंदा पानी जा रहा है। उसके लिए अपन मांग करेंगे कि कम से कम उसको सौंदर्यीकरण हो और गहरीकरण हो और उसका डिस्पोजल जो गाँव से बाहर तालाब से बाहर हो, इसके लिए अपन मांग करें। ये हमारा बड़ा तरीका। शहरी निकाय में जैसे सर डहरिया जी हैं, तो क्या उनके तरफ से आपको कुछ खास उपलब्धि मिली है अभी तक के जब से आप पद में आए हैं? हाँ, ये है कि अभी कोरोना काल में हम लोग जिस हिसाब से सोच रहे थे कि विकास का रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ भी फंड आ रहा है, 14वीं में फंड आया, 15वीं में फंड आया है ना, तो उससे कार्य चल रहा है। और बहुत सारे योजना जो है, जो बहुत सारे हम लोग स्वीकृति किए हैं, भेजे हैं वहाँ मंत्री जी के यहाँ, वो करीब करीब स्वीकृति की ओर है जो बड़ा काम। आपके विशेष आपके तरफ से आप जैसे अध्यक्ष के रूप में हैं, तो आप जनता के लिए विशेष क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र? जनता के लिए अपन ये चाह रहे हैं निश्चित रूप से हम डोंगर गांव में मूलभूत सुविधा जो हमको देना चाहिए उनको पर्याप्त मात्रा में दें हम, और गांव में जैसा खेल मैदान है या गार्डन है, ये सौंदर्यीकरण पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.